अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो नाज़रीन, आज हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। आज हम आपको बताएंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है मसलन, यानी कि जो टेप होती है ट्रैक्टर वाली, उसकी चोक किस तरह बनाते हैं। इस चोक को तैयार करने का तरीका क्या है, कैसे तैयार करते हैं? अक्सर हमारे मैकेनिक हजरात इसको तजर्बे से इवेंट कर लेते हैं, तजर्बे से टर्निंग दे देते हैं, तो वो ठीक नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि उसका कायदा क्लियर नहीं होता है, वो उसकी रेशो अच्छे तरीके से नहीं होती, इसलिए वो अच्छे तरीके से नहीं चलती। उसका हम इसमें बताते हैं कि यार ये हमारी टेप गर्म हो रही है, टांके उखाड़ देती है, खुद ब खुद टांके उखड़ जाते हैं। तो उसका फॉल्ट यही होता है कि इसको अच्छे तरीके से हम बनाते नहीं हैं। तो आज हम आपको इसको वाइंड करने का तरीका कर बताएंगे। सबसे पहले आपने ये बॉबन ले लेनी है। ये सात सूत्र की बॉबन है, सात सूत्र की बॉबन है। आपने सात सूत्र की बॉबन ले लेनी है और उसके बाद आपने वायर ले लेनी है। वायर वो लेनी है कि डबल वायर लेनी है आपने, ठीक है। डबल वायर लेने के बाद हम आपको बताएंगे अब इसको मुकम्मल बनाने का तरीका कार कि कितनी टर्ने देनी है। सात सूत्र की ये बॉबन है, सात सूत्र की चौक है, तो कितनी टर्ने देनी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कितनी टर्ने देनी है। तो नाज़रीन, ये हमने गुटका ले लिया और गुटके के अंदर हमने बॉबन को अच्छे तरीके से डाल दिया ताकि हाथ से हम इसको अच्छे तरीके से वाइंड कर लें। तो हमने दो तारे ऐसे पकड़ लेनी है। पकड़ने के बाद एक तार इस तरफ कर देनी है और एक तार इस तरफ कर देनी है। आपने इस तरफ करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वाइंडिंग करना है। तो आपने अच्छे तरीके से वाइंड करना है इसको ताकि हमारी जो चोक है अच्छे तरीके से चल पाए और अच्छा ही रिजल्ट दे। तो ये हमारी होगी दो टर्ने होगी, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अठतीस उनतालीस चालीस इकतालीस बतालीस तरतालीस चौतालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनंजा पचास इकवंजा बवंजा तिरवंजा चरवंजा पचवंजा छपंजा सतवंजा अठवंजा उनाहठ साठ काठ बाठ त्रेठ चौंठ पैंठ छियाठ सताठ अठाठ अठाठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्नासी अस्सी अस्सी नाज़रीन आपने टर्ने देनी है इसकी। अस्सी टर्ने आपने दे देनी है इसकी। अस्सी टर्ने को टर्ने देकर आपने इसको क्या करना है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अस्सी टर्ने दे दी हमने। अब टर्ने देने के बाद ये दो तारे हमारी इसको ना अच्छे तरीके से थोड़ी से कर लेना ताकि हमारा जो पेपर है जो कोर है वो शार्ट ना हो अच्छे तरीके से। जैसे कि ये मेरे पास थोड़ी आ गई है, ये भी आ गई है। अब इसको इसके ऊपर पेपर लगा देना। ये हमारे पास पेपर हमने काट लिया, इसको अच्छे तरीके से हमने पेपर लगा देना है ताकि जो शार्ट ना हो हमारी बॉबन। इसको पेपर लगा के आपने अच्छे तरीके से बंद कर देना है। ये हमारा पेपर लग गया, हमारी बॉबन होगी तैयार। अब आपको ये तो पता ही होगा कि किस तरह इसकी मैचिंग करनी है। हमने वो दिखाएंगे कि मुकम्मल ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं। ये हमारी कोर है, तो आइए नाज़रीन कोर की जानिब चलते हैं। तो आपने इसकी पत्रियां जो हैं, ये जो कोर है आपने दो दो पत्रियां डालनी है, ठीक है। दो दो पत्रियां आपने डालनी है इसकी। हां
तो नाज़रीन, ये हमने मुकम्मल ट्रांसफार्मर कर दिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी 80 टर्ने आपने देनी है, ठीक है। अगर आपने 4 ट्रांसिस्टर लगाने हैं तो आपने 80 टर्ने देनी है, अगर आपने 8 ट्रांसिस्टर लगाने हैं तो आपने इसकी 90 टर्ने देनी है, ठीक है। तो चाहे आप ट्रांसिस्टर 1047 लगा लें, 5200 लगा लें, जो भी लगा लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।